नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का चिंतन है अच्छाई बुराई। एक बार बुरी आत्माओं ने भगवान से शिकायत की कि उन्हें साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया जाता है, जबकि अच्छी आत्माएं इतने शानदार महल में रहती है और हम सब खंडहरों में आखिर ये भेदभाव क्या है, जबकि हम सब भी आपके ही संतान है। भगवान ने उन्हें समझाया, मैंने तो सभी को एक जैसा ही बनाया, पर तुम ही अपने कर्मों से बुरी आत्माएं बन गई, सो वैसा ही तुम्हारा घर भी हो गया। भगवान के समझने पर भी बुरी आत्माएं भेदभाव किए जाने की शिकायत करती रही और उदास होकर बैठ गई। इस पर भगवान कुछ देर सोचा और सभी अच्छी बुराई आत्माओं को बुलाया और बोले, बुरी आत्माओं के अनुरोध पर मैंने एक निर्णय किया है। आज से तुम लोगों को रहने के लिए मैंने जो भी महल या खंडहर दिए थे वो सब नष्ट हो जाएंगे और अच्छी और बुरी आत्माएं अपने अपने लिए दो अलग अलग शहरों का निर्माण नए तरीके से स्वयं करेगी। तभी एक आत्मा बोली, लेकिन इस निर्माण के लिए हमें ईंट कहाँ से मिलेगी? भगवान बोले, जब पृथ्वी पर कोई इंसान अच्छा या बुरा कर्म करेगा तो यह पर उसके बदले में ईंट तैयार हो जाएगी। सभी ईंट मजबूत में एक समान होगी। अब तुम लोगों को तय करना है कि तुम अच्छे कार्यों से बनने वाली ईंट लोगों या बुरे कार्यों से बनने वाली ईंट। बुरी आत्माओं ने सोचा, पृथ्वी पर बुराइयों करने वाले अधिक लोग हैं, इसलिए अगर उन्होंने बुरे कर्मों से बनने वाली ईंट ले ली तो एक विशाल शहर का निर्माण हो सकता है। और उन्होंने भगवान से बुरे कर्मों से बनने वाली ईंट मांग ली। दोनों शहरों का निर्माण एक साथ शुरू हुआ, पर कुछ ही दिनों में बुरी आत्माओं का शहर वहां रूप लेने लगा। उन्हें लगातार ईंटों के ठेर मिलते जा रहे थे और उससे उन्होंने एक शानदार महल बहुत जल्द बना भी लिया। वही अच्छी आत्माओं का निर्माण धीरे धीरे चल रहा था। काफी दिन बीत जाने पर भी उन्हें शहर का लेवल एक ही ईसा बन पाया। कुछ दिन और ऐसे ही बीते, फिर एक दिन अचानक एक अजीब सी घटना घटी। बुरी आत्माओं के शहर से ईंटें गायब होने लगी। दीवारों से, छतों से, इमारतों की नींवों से, हर जगह से ईंटों गायब होने लगी और देखते ही उनका पूरा शहर खंडहर का रूप लेने लगा। परेशान आत्माएं तुरंत भगवान के पास भागी और पूछा, हे प्रभु, हमारे महल से अचानक ये ईंट क्यों गायब होने लगी? हमारा महल और शहर तो फिर से खंडहर बन गया। भगवान मुस्कुराए और बोले, ईंट गायब होने लगी, अच्छा, दरअसल जिन लोगों ने बुरे कर्म किए थे अब वे उनका परिणाम भुगतने लगे हैं, यानी अपने बुरे कर्मों से उबरने लगी है। उन्हें बुरे कर्म और उनसे उपजी बुराइयों नष्ट होने लगे हैं। जो उनकी बुराइयों से बड़ी ईंटें भी नष्ट होने लगी है, आखिर वो जो आज बना है वह कल नष्ट भी होगा ही। अब किसी की आयु कितनी होगी ये अलग बात है। इस तरह से बुरी आत्माओं ने अपना सिर पकड़ लिया और सिर झुका के वहां से चली गई। मित्रों, इस कहानी से हमें कई जरूरी
बातें सीखने को मिलेगी। ये बुराइयों और उससे होने वाला फायदा बढ़ता और बहुत तेजी से है, परंतु नष्ट भी उतनी ही तेजी से होता है। वही सच्चाई और अच्छाई से चलने वाले धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उनकी सफलता स्थायी होती है। अंत हमें हमेशा सच्चाई की बुनियाद पर अपने सफलता की इमारत खड़ी करनी चाहिए। झूठ और बुराई की बुनियाद पर तो बस खड़हर की बनाई जा सकती है। आज का दिन मंगलमय हो, मंगलमय हो, मंगलमय हो। जय गुरुदेव।